नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में गर्भवती महिलाओं और व्रत से जुड़ी हुई जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, क्या गर्भवती महिलाओं को व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाएं गर्भधारण के बाद व्रत कब तक कर सकती हैं, अगर वो गर्भवती हैं तो जो व्रत वो पहले से करते आई हैं क्या उसे उन्हें पूरा करना चाहिए या वो व्रत छोड़ सकती हैं, अगर गर्भवती महिलाएं उद्यापन नहीं कर पाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए, गर्भवती महिलाएं क्या मेडिसिन व्रत के दरमियान ले सकती हैं, गर्भवती महिलाओं को नया व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसी संपूर्ण जानकारियां दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने जा रही है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही संपूर्ण तमाम व्रत संबंधी नियमों, विधि और सामग्रियों, उपायों पर मैं आपके साथ जानकारियां शेयर करती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है कि मैं गर्भवती हूं, क्या गर्भवती महिलाएं व्रत धारण कर सकती हैं, व्रत ले सकती हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं व्रत ले सकती हैं, व्रत धारण कर सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। इसकी एक समय सीमा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेग्नेंट हैं इसलिए आपको व्रत ही नहीं करना चाहिए, ऐसी धारणा बिल्कुल मन से निकाल दें। गर्भवती महिलाएं व्रत धारण कर सकती हैं, सालाना व्रत कर सकती हैं और साप्ताहिक व्रत भी वो कर सकती हैं। हाँ, यहां पर एक जो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि गर्भवती महिलाओं को क्या गर्भ धारण करने के बाद नए व्रत शुरू करने चाहिए, तो इसका जवाब मैं दूंगी, नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप गर्भवती हैं, आपका स्वास्थ्य कभी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त साथ रहे, और गर्भ धारण करने के बाद सबसे जरूरी होता है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना, ताकि आप घर में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रख सके। वो आपका पहला धर्म हो जाता है एक माँ होने के नाते, तो आपको सबसे पहले तो वही करना है। ऐसे में नए व्रत आप शुरू ना करें, क्योंकि हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से कभी वो व्रत बीच में आपको छोड़ना पड़ सकता है। अब जो मैं बात कर रही थी कि गर्भवती महिलाओं को क्या व्रत करना चाहिए, कर सकती हैं, इसमें भी स्वास्थ्य और धार्मिक, इसमें साइंटिफिक रीजन भी है कुछ, स्वास्थ्य संबंधी जिसे आप कह सकते हैं, और धार्मिक भी है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को 6 मास तक व्रत कर लेना चाहिए। ये धार्मिक शास्त्र सम्मत भी है कि आप कर सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि आपको अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पोषण देना है, आपको वो जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। ये देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी है और साइंस भी यही कहता है, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको ज्यादा पोषण देने की जरूरत होती है। व्रत में आप उपवास रहती हैं, आप कम जल या जूस, पानी, दूध, जो भी चीज है आप कम खाती पीती हैं, तो ऐसे में आपके घर में पल रहे शिशु पर उसका असर पड़ेगा। तो आप व्रत गर्भवती महिला 6 मास तक कर सकती हैं, उसके बाद आपको अपने लिए, अपने शिशु के लिए 3 महीने व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गर्भवती महिलाओं को व्रत में क्या दवाएं लेनी चाहिए, क्या इसे व्रत खंडित तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। गर्भवती हैं आप और आपकी पहली जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले भी बताया, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर है, तो आप मेडिसिन ले सकती हैं। धर्म में भी इसकी कोई मनाही नहीं है, शास्त्र भी इसकी मनाही नहीं कहता है कि आप गर्भवती हैं आप औषधि मेडिसिन नहीं ले सकती हैं, आप बिल्कुल ले सकती हैं। ऐसा करने से व्रत आपका खंडित नहीं होता है। अब चौथा जो महत्वपूर्ण सवाल है, आप गर्भवती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आप नए व्रत तो ना शुरू करें, लेकिन अगर आप व्रत शुरू कर चुकी हैं कोई पहले से, और साप्ताहिक व्रत, और आपने बाद में गर्भधारण किया, तो क्या आपको वो व्रत पूरे करने चाहिए? आप बिल्कुल कर सकती हैं, जब तक आपका स्वास्थ्य साथ दे रहा हो, पूरे विधि विधान नियम से जैसे भी आप व्रत करती आई हैं आप करें। लेकिन जब आपको लगे
कि अब आप व्रत नहीं कर पा रही। जैसे कोई आपने लंबा व्रत का संकल्प लिया हुआ है, 21 व्रतों का संकल्प लिया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको बाद में फास्ट करने में, पूरे विधि विधान से व्रत को धारण करने में दिक्कतें हों। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई मनाही नहीं है, जब तक वो व्रत कर पाए करें, और नहीं तो उस व्रत को वहीं पर वो छोड़ सकती हैं। उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाए, आप उस व्रत को शुरू करें फिर से और संपूर्ण करें जितने का संकल्प आपने लिया है, और उस व्रत को पूर्ण करके फिर विधि विधान से उद्यापन करें। अब पांचवी बात, जो उद्यापन की अभी मैंने बात कही वो भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम गर्भ धारण करते हैं और उसके बाद हमने व्रत को भी किसी तरह से पूरा कर लिया, लेकिन उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी विधि और नियम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, भव्यता से करना चाहिए। तो ऐसे में क्या उद्यापन हम बाद में कर सकते हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें भी कोई रोक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप ऐसा कर रही हैं, आप उद्यापन उस व्रत का बाद में करें। लेकिन यहां पर एक चीज आपको भी ध्यान देनी चाहिए। देखिए, व्रत तो ये नहीं है कि आप उस नियम को पूरा फॉलो करेंगी, जैसे फास्ट आप रखेंगी और पूजा विधि विधान से कथा वगैरह जो भी होता है उस व्रत में, साप्ताहिक व्रत में वो आप करेंगी, लेकिन कम से कम जो नियम कहता है वो उस दिन आप शुद्धता जरूर रखें, शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन नहीं करें। जैसे आप गुरुवार का अगर व्रत कर रही हैं और आप उद्यापन नहीं कर पाई हैं गर्भवती होने की वजह से, प्रेग्नेंट होने की वजह से, तो आप गुरुवार के दिन हमेशा जब तक आप उद्यापन नहीं करती हैं शुद्ध भोजन करें, और जैसे ही डिलीवरी हो जाए आप उसके बाद उस व्रत का विधि विधान से उद्यापन करें। इसी तरह हर साप्ताहिक व्रत के लिए आप इस चीज को मान्य रखें, आपका व्रत पूर्ण होगा। अब बात कर लेती हूं सालाना व्रत की, कि आप गर्भवती महिला हैं और सालाना व्रत आपने पहले से किया हुआ है शुरू, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल कर सकती हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा लीनियंसी रखी जाती है व्रतों में। ऐसा कहा गया है कि गर्भवती महिला, अगर आपने पहले व्रत में निर्जल रहकर भी व्रत किया है, जैसे हरितालिका तीज का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, सकट चौथ का व्रत है, द्वितीया करती हैं, छठ पूजा जैसा एक विस्तृत व्रत होता है वो महिला शुरू कर लेती हैं, और उसके बाद अगर आप गर्भवती होती हैं, तो ऐसे में व्रत तो देखिए नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ व्रत तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, जैसे कि छठ पूजा अगर आपने शुरू कर लिया तो आपको हमेशा करना चाहिए, सकट चौथ, हरितालिका तीज व्रत। तो ऐसे में आप निर्जल व्रत भी अगर करती हैं तो आप गर्भ धारण करने के बाद में आप फलाहार कर सकती हैं। जितना भी आपके शरीर में सामर्थ्य है आप उतना ही व्रत रखें। आप उसके बाद खाना पीना जो भी होता है साधारण व्रत का खाना वो आप खा सकती हैं। हाँ, यहां पर कई बार ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं को नमक खाने की खास जरूरत हो जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति भी, सभी के साथ नहीं होती लेकिन कुछ के साथ अगर है, तो आप व्रत का नमक भी, सीधा नमक ले सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। शरीर को पहले ध्यान देना है गर्भावस्था में, ये आप ध्यान रखें, उसके अनुसार आप व्रत कर लें। अब जैसे मैंने सालाना व्रत के बारे में बताया, उसी तरीके से जो साप्ताहिक व्रत आप करती आई हैं, और ऐसा अगर मान लीजिए 16 सोमवार का व्रत आपने शुरू किया हुआ था, आपने 2 मास किए 2 मास और रह गया, तो आप उसे पूरा कर लें। पूरा करने के बाद आप उद्यापन भी कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआती 5-6 महीने में उतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, तो आप ऐसा कर सकती हैं किसी की, घर परिवार वालों की मदद से। अगर आप कोई ऐसा व्रत शुरू भी करना चाहती हैं शुरुआती गर्भधारण के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में, जैसे कोई एकादशी पड़ गई साल की, आपको वो करना है, मान लीजिए पुत्रदा एकादशी है आप करना चाह रही हैं, या देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, जो प्रमुख एकादशी व्रत भी कुछ लोग करते हैं साल के, अगर वो पड़ रही है आप कर सकते हैं, आप फलाहार लेकर उस व्रत को धारण कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये मुख्य बातें थी जो गर्भवती महिलाओं और व्रत उनके करने से जुड़ी हुई थी। कुछ अन्य जानकारियां अगर रह गई हो, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से देने की, लेकिन अगर रह गई हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके पर सभी व्रत त्योहारों की संपूर्ण जानकारियां मिलती है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी।